नेताओं को मेरा चैलेंज है कि सब नेता सुन लो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। लेकिन अपना मुख्यमंत्री को बताइए कि मैं वोट देने वाला, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा खनिज संपदा, मेरा संपत्ति, आज मैं यहाँ पे हमको इस तरह का मेरा ये संस्कार देते हैं। भीख मांगने आए हम लोग। हेलो हेलो, भीख मांगने आए हम लोग। ठाकुर तुम्हें था यहाँ रोटी खाते हैं, रोटी खिलाते हैं। अगर तुम्हारे दरबार में आए, तुम कहा दिया तोड़ दिया बैनर, ये जो नौकर रखे हुए हो उन नौकर लोग को भेज दियो, जाओ लोग को रोको। आज में आ रहे विधानसभा, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं इस झारखंड की लड़की, मेरा नाम है मंजू मातो, मैं टाटी सिल्वर से हूँ, रांची से हूँ। आज मुझे अंदर से दर्द हो रहा है, चल जाएंगे। मुझे रोना आ रहा है, क्यों रोना रहा है? मेरा झारखंड का संस्कार क्या है जानते भी हो? मेरा झारखंड का संस्कार है कि कोई कटोरी लेके आता है ना तो हम लोग सूप भर के देते हैं, और कोई आता है तो सबसे पहले पानी देते हैं, उसके बाद मेरा घर में जो रहे रूखा सूखा रहे उसको खिलाते हैं। आज पहली बार विधानसभा आई कि चलो मुख्यमंत्री से मिलना है, वो क्या किया, हम लोग कटोरा लेके मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा खनिज संपदा, मैं चुन के उनको नेता बनाया, और हम भीख मांग रहे हैं किस वजह से, किस लिए, क्या हक है? मैं प्रधानमंत्री को भी कहती हूँ कि प्रधानमंत्री, क्या ये भी संविधान में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र है, यहाँ जनता का सरकार चलता है, लेकिन यहाँ जनता का सरकार कहाँ है? कहीं नहीं। मैं, मेरा धरती, मैं रो रही हूँ, मेरा खनिज संपदा लूटा जा रहा है, और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। आज बताइए, हर राज्य में स्थानीय लोग अपना भाषा को राज बनाते हैं, सब अपना बंगाल जाती हूँ बंगाली बोलता है, हर चीज बंगाली से ही करता है, मैं उड़ीसा जाती हूँ उड़ीसा का भाषा तो उड़िया बोलता है, और मेरा झारखंड में आके अपना भाषा की बात कर सकती हूँ। मैं कोई ऑफिस जाती हूँ तो हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो, क्यों, मैं झारखंड की बेटी हूँ, और मेरा जो नव भाषा है वही चाहिए, स्थानीय नीति चाहिए मुझे। तो आज तक, आज 21 साल हो रहा है झारखंड का, और आज मुझे पहचान ही नहीं है कि मैं झारखंड की हूँ कि कहाँ की हूँ। आप बताओ क्या दिए हो मुझे? आज सभी नेताओं को मेरा चैलेंज है कि सब नेता सुन लो, मैं सबको पारी दी, सबको जिताई, और सभी माता बहनों को कहती हूँ आज के बाद अगर कोई आएगा, आज हम लोग कटोरी छान के यहाँ बैठ के रोए हैं, कोई गांव जाएगा तो लोगों को कैसा स्वागत करना चाहिए, सोच लीजिए। मेरा धरती और मैं भिखारी, मेरा घर में रहने के लिए दे सब कुछ दिए, और आज मैं भिखारी हूँ। मेरा खनिज संपदा, वो राजा हो गया, मेरा खनिज संपदा झारखंड का 40% टोटल जो इंडिया का, जो भारत का टोटल खनिज जो संपदा है उसमें 40% मेरा जाता है, और जानते हो कितना रॉयल्टी आता है? 3000 करोड़। अगर एक साल का रॉयल्टी में हमको दिया जाए तो एक एक आदमी जो झारखंड का है वो जानते हो कितना मिलेगा? 10-10 करोड़ भी देगा ना सरकार तो भी हम लोग के लिए ज्यादा ही कम पड़ जाएगा, इतना पैसा है। और आज जानते हो क्या किया? जितना पुलिस वाला जितना भी है वो लोग देखिए कैसा लगाया है, दिखाइए उधर उधर दिखाइए, हमारे माता सब, हमारे भाई सब, मेरा पिताजी लोग, मेरे भाई लोग देख करके वो सब हंस रहे हैं, वो लोग आने नहीं देना चाह रहा, पेमेंट मिल रहा है, क्योंकि मेरा हक है और मैं हक से लड़ूंगी। और मुख्यमंत्री जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है कि आप क्या किए आज तक, लेकिन पहले मैं नहीं जानती थी, मैं सोया हुआ था, लेकिन आप जाग गया, आप हक दो,
और हक नहीं दोगे तो देख लो पूरी जनता एक साइड, तुम कहाँ रहोगे? कहते हैं लोकतंत्र सरकार है। अरे कभी इतिहास नहीं पढ़े हो क्या? अकबर की कहानी सुन लेते एक बार नेता। लेकिन हर जनता, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग को वो जब दरबार आते थे तो मिलता था, वो इतना बड़ा सा हिंसा था। और तुम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम आज लायक नहीं हो आप बोलने के लिए। 20 साल जो पैदा होता है ना जवान हो जाता है। क्या किए आप सभी नेताओं को बोल रही हूँ कि एक हम जब जाते थे जंगल, हम जानते हो क्या प्रार्थना करते थे? हे वन देवी मेरी रक्षा करना, मेरा जाल झंगड़ जो वन, जो हम लोग कर्मा का पूजा करते थे, जीतिया का पूजा करते थे। क्यों करते थे पता है? क्योंकि मेरा जो पेड़ है वह पेड़ हमको वायु देता है, मेरे जीवन का संरक्षण करता है, मैं उसका पूजा करती हूँ। मैं सनातन धर्म मानने वाला हूँ, मैं कोई धर्म नहीं जानता, मैं इस प्रकृति से प्यार करता हूँ। इसीलिए मेरा झारखंड के खाने वाले लोग, दूसरी बात अभी बात खत्म नहीं हुई है, मेरा इतना जंगल है झारखंड में, झारखंड में इतना जंगल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितना पैसा आता है पता है? जनता लोग सुन लो, अगर एक साल अगर खर्चा किया जाए ना जितना फॉरेस्ट में अति काम है, एलबीसीडी बनाना, चेकडैम बनाना, वो कितना खर्चा करता है पता है? सारा पैसा कहाँ जाता है? सब पेट में जाता है। और हम जितने भी सरकारी अपना कर्मचारी रखे हैं टोटल, हम भिखारी, मतलब हम राजा घर का नाम का, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी शिक्षित हो गए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरा झारखंड सरकार अगर हमको नहीं दे, आप तो सारे देश के हैं, आप मेरा जो मैं बोल रही हूँ 100% सच है और मैं साबित करके दिखाऊंगी ये। क्यों? क्योंकि अगर जिस भी वन विभाग में जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाए, जितना पैसा आता है उसका कितना परसेंट काम होता है जमीन में देखेंगे हम जाके, कुछ नहीं होता है, मैं 100% जानती हूँ। इसीलिए मेरा खनिज संपदा है उसका संरक्षण किया जाए, और मेरे जो भाइयों हैं लड़ रहे हैं, और मेरी जो झारखंड के वासियों हैं उसको स्थानीय नीति और 1932 का खतियान जो मेरी पहचान है उसको दिलाइए। हम लोग सब खुश है, नहीं तो हम लोग खुश नहीं रहेंगे। सब बहुत बहुत धन्यवाद। खतियान ही झारखंड, मेरा खतियान ही मेरी पहचान है, झारखंड की एक ही पहचान, झारखंड की एक ही पहचान, झारखंड हमारा राज्य है, बहुत सुंदर राज्य, अमेरिका से भी बड़ा, अमेरिका से भी धनी मैं हूँ, और मैं गरीब हूँ, और ये भिखारी लोग, ये सरकार का नौकर लोग मुझे रोकता है कि तुम उसके साथ मिलने मत जाओ। क्यों जिन्हें हमें, हम गति